नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन मोर, आप देख रहे हैं जनित आवाज। जनित आवाज के इस खास प्रोग्राम जनित प्राइम शो में आपका स्वागत है। साथियों, पिछले दो दिनों से मैं व्यक्तिगत जरूरी काम के कारण आपके सामने वीडियो नहीं ला पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में बहुसंख्यक समाज व इस समाज का नेतृत्व करने वाली विभिन्न पार्टियों का भविष्य क्या होगा। क्या चंद्रशेखर रावण से गठबंधन न करना अखिलेश यादव की बड़ी भूल थी? क्या बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने हकीकत में बीजेपी के लिए काम किया? क्या बसपा का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है? बसपा के घटते जनाधार व वोट प्रतिशत से चंद्रशेखर को आने वाले समय में फायदा मिल सकता है? क्या चुनाव हारी सभी पार्टियां ईवीएम के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगी? उत्तर प्रदेश का यह चुनाव बहुसंख्यक समाज के साथ साथ देश की आने वाली राजनीति का रुख क्या होगा, इस नजरिए से पूरे देश के लिए अहम था। चुनाव परिणाम आ चुके हैं, एग्जिट पोल ने जैसा बताया जा रहा था ठीक उसी प्रकार बीजेपी प्रचंड बहुमत से एक बार फिर यूपी सत्ता में काबिज हुई है। लेकिन साथ में बहुत से सवाल पैदा कर गई है जो मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिए। अब बारी है कि उन्हें बारी बारी से आपके सामने रखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या चंद्रशेखर रावण से गठबंधन न करना अखिलेश यादव की बड़ी भूल थी? अगर मैं व्यक्तिगत रूप से इस प्रश्न का उत्तर दूं तो मेरा उत्तर हाँ होगा। उसका कारण अगर बताऊं तो आपको आपके सामने सब क्लियर हो जाएगा। इस चुनाव में अखिलेश की समाजवादी पार्टी को 32.02% वोट मिले हैं, जो बीजेपी को मिले वोटों से करीब 9% कम है। अगर अखिलेश यादव का चंद्रशेखर रावण से गठबंधन होता तो पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कम से कम 10% वोट और अधिक मिल सकते थे। अब आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि चंद्रशेखर रावण को तो खुद 10,000 भी पूरे वोट नहीं मिल पाए, तो वो समाजवादी पार्टी को कैसे वोट दिलवा सकते? आपको बता दूं, जैसे कि एक कारीगर या राजमिस्त्री अब मकान बनाने वाले को क्या कहते हैं ये मैं नहीं जानता। वो बड़े बड़े शहरों में अपनी मेहनत की दम पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर देते हैं। अगर यही तरह मकान बनवाने वाला मिस्त्री को दे कि तेरा खुद का मकान नहीं, मेरा मकान कैसे बना सकता है? क्योंकि अधिकतर आपको बता दें, जो कारीगर होते हैं वो गरीब परिवार से होते हैं, उनके खुद के मकान नहीं होते। लेकिन बड़ी बड़ी शहरों में कई ऊंची ऊंची इमारतें कारीगर बनाने का काम करते हैं। दलित समाज, खास करके जाटव समाज ने इस चुनाव में चाहते हुए भी चंद्रशेखर की पार्टी को वोट नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि बिना किसी पार्टी के साथ पहली बार चुनाव में उतरना और फिर टक्कर देना इतना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने सोचा कि अपने वोट को खराब न किया जाए। मैं कहूंगा कि जाटव समाज का वोट खिन्न भिन्न हुआ है। ये सही है कि सबसे ज्यादा वोट बसपा को गया है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सपा के साथ साथ भाजपा को भी गया है। जो भाजपा को वोट गया है, उस दलित वोट को सपा के लिए ट्रांसफर करवाने की क्षमता मुझे चंद्रशेखर रावण में दिखती है। पिछले कुछ वर्षों से बहुसंख्यक समाज के बीच में चंद्रशेखर रावण की कितनी पॉपुलरिटी है और क्यों है, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब अच्छे से जानते हैं। अब बात करते हैं साथियों, क्या बसपा सुप्रीमो मायावती ने हकीकत में बीजेपी के लिए काम किया? तो साथियों, आपको बता दूं, इस प्रश्न का उत्तर है कि कोई मुझसे हाँ ना में पूछे तो मेरा उत्तर हाँ होगा, लेकिन कोई यह पूछे कि कैसे, तो इसका उत्तर दे पाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर इस बात को मान लिया जाए कि मायावती बीजेपी से मिली हैं, बीजेपी के लिए काम किया है, तो यह कहना गलत साबित हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जिस प्रकार से पूरी मीडिया ने जिस तरह से मायावती का बायकॉट किया वह नहीं करती, क्योंकि जितना अधिक वोट बसपा को मिलता उतना ही भाजपा को फायदा होता, और मीडिया बसपा यानी कि मायावती को वोट दिलाने के लिए हर हथकंडा अपनाती है। लेकिन मीडिया में ऐसा कुछ नहीं दिखा, मीडिया ने तो मायावती की रैलियों को कवर भी नहीं किया, तो इससे साबित होता है कि ऐसा होना नामुमकिन है। और वहीं अगर दूसरे पहलू को भी देखें तो हो सकता है कि मायावती बीजेपी के लिए काम किया है, क्योंकि जिस प्रकार बसपा ने अपने टिकटों का वितरण किया है, 70 से ज़्यादा टिकट ब्राह्मण समाज को दिए हैं, और वहीं दूसरी अगर सबसे ज़्यादा टिकट दिए हैं वो यादवों को दिए हैं, तो इस टिकट का वितरण मायावती को शंका के घेरे में जरूर खड़ा करता है। वो इसलिए क्योंकि मायावती अच्छी तरीके से जानती थी कि यादव वोट बसपा को नहीं देगा, और ब्राह्मण वोट भी बसपा को वोट क्यों देगा जब उसके हितों की बात भाजपा हिंदुत्व की बात कर रही है, तो यहाँ पर ऐसे
माहौल में बसपा के लिए ब्राह्मणों का वोट आ पाना मुश्किल था। ये सब जानते हुए भी बसपा ने अधिकतर टिकट यादव और ब्राह्मण समाज को दिए। तो इस बात पर गौर करते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं बीजेपी को जिताने के लिए ही बसपा ने टिकटों का वितरण किया। दोनों ही समाज का वोट पाना बसपा के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर थी, फिर भी जानबूझकर इन्हीं समाज के व्यक्तियों को ज़्यादा टिकट देना बसपा सुप्रीमो मायावती पर सवालिया निशान खड़े करता है। खैर, आपको क्या लगता है, आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं कि जो अभी चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं और इनके परिणाम के बाद क्या बसपा का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है। साथियों, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, आने वाले दिनों में मायावती खुद इसका जवाब देंगी, क्योंकि किसी भी पार्टी के करियर को हमारे आपके कहने से न तो खत्म किया जा सकता है न बनाया जा सकता है, बल्कि उस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कार्यकर्ता और मुखिया द्वारा ही इस सवाल का जवाब आने वाले कुछ दिनों में स्वतः ही आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर बसपा सुप्रीमो इस हार से कोई सबक न लेते हुए पार्टी की जिम्मेदार व्यक्तियों में कोई फेरबदल नहीं करती हैं तो उसके कार्यकर्ता और समर्थक खुद ही कंफ्यूज होकर मान लेंगे कि बसपा का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है, इसलिए बहन जी पार्टी में कोई फेरबदल नहीं कर रही हैं। और वहीं बसपा सुप्रीमो अगर पार्टी में फेरबदल करके अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का काम करती हैं तो बसपा का राजनीतिक करियर खत्म नहीं माना जा सकता है, क्योंकि मीडिया जब 2% भी वोट नहीं ले पाने वाली कांग्रेस का करियर खत्म नहीं मान सकती है तो 12% वाले बसपा के लिए यह कहना सरासर बेईमानी होगी। बसपा के घटते जनाधार से चंद्रशेखर को आने वाले समय में क्या फायदा मिल सकता है? निश्चित तौर पर अगर बसपा कोई फेरबदल नहीं करती है और रावण ने जिस प्रकार से सड़कों पर जनता के मुद्दों को उठाने का काम किया है, दलित वोटर चंद्रशेखर में अपना भविष्य जरूर देख सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की, और वो मुद्दा या प्रश्न है कि क्या चुनाव हारी सभी पार्टियां ईवीएम के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगी। साथियों, इस विषय पर सभी राजनीतिक दलों को आने वाले अपने भविष्य को देखते हुए जरूर विचार करना चाहिए, या फिर चुनाव के समय काउंटिंग से पहले ईवीएम का रोना नहीं रोना चाहिए। निश्चित तौर पर अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो ईवीएम पर प्रतिबंध लगाकर मतपत्र द्वारा वोटिंग कराने की मांग सभी बहुसंख्यक समाज का नेतृत्व करने वाली पार्टियों को सामूहिक रूप से करनी चाहिए। आने वाले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन सी पार्टी इस मुद्दे को लेकर चिंतित है और कौन सी पार्टी ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाना जारी रखती है। तो साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। नमस्कार।